नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण के सेकेंड स्ट्रेन को बड़ी चुनौती के रूप में लेने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयास से उत्तर प्रदेश में संक्रमण की दर लगातार घटती जा रही है। प्रदेश में अब 64 जिले कोरोना कर्फ्यू से मुक्त हो गए हैं। कोरोना वायरस संक्रमण कम होने के साथ ही प्रदेश सरकार ने एक मई से लागू कोरोना कर्फ्यू में भी राहत दी है। प्रदेश में 1 जून से कोरोना कर्फ्यू में राहत की घोषणा 30 मई को की गई थी। उस समय प्रदेश के सिर्फ 55 जिले ही इस राहत के पात्र थे, लेकिन 31 मई को 6 और जिलों में एक्टिव केस 600 से कम होने के कारण इनको भी कोरोना कर्फ्यू की बंदिश से बाहर कर दिया गया। बता दें कि बीते मंगलवार को 3 और जिलों में एक्टिव केस 600 से कम होने के कारण इनको भी कोरोना कर्फ्यू से मुक्त किया गया है। स्वास्थ्य विभाग की मंगलवार की रिपोर्ट के बाद प्रदेश के जौनपुर, लखीमपुर खीरी व गाजीपुर में एक्टिव केस 600 से नीचे आ गए। अब इन जिलों में बुधवार सुबह से कोरोना कर्फ्यू से राहत मिलेगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि CBSE की 12वीं की परीक्षा भी रद्द हो गई है। अब उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद UP बोर्ड की इंटरमीडिएट परीक्षा भी रद्द होने के पूरे आसार हैं। बता दें कि CBSE परीक्षा का निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जल्द ही इस संबंध में बैठक करने के लिए निर्णय लेंगे। वैसे यूपी बोर्ड ने मई माह में ही इंटर के परीक्षार्थियों को प्रमोट करने की तैयारी कर रखी है। यूपी बोर्ड के सचिव ने 22 मई को ही सभी कॉलेजों से कक्षा 12 की प्री बोर्ड और 11 की छमाही वार्षिक परीक्षा के अंक मांगे थे। 28 मई तक अधिकांश स्कूल छात्र छात्राओं के अंक का ब्यौरा भेज चुके हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि प्रधानमंत्री ने कोविड संक्रमण के दृष्टिगत CBSE की 12वीं बोर्ड की परीक्षा रद्द करने का निर्णय लिया है। इसके लिए उन्होंने सभी छात्रों व अभिभावकों की ओर से प्रधानमंत्री को आभार व्यक्त किया। CM योगी ने कहा कि यह निर्णय देश भर के छात्रों की स्वास्थ्य सुरक्षा की दिशा में बढ़ाया गया महत्वपूर्ण कदम है। पहले पैसों के लालच ने शराब के सौदागरों को इतना हैवान बना दिया है कि पैसे की चमक से वो मौत और जिंदगी में फर्क महसूस करना ही भूल गए हैं। जहरीली शराब के कारण अब तक अलीगढ़ में 90 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। साथ ही कई लोग अब भी अस्पतालों में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। पूरा मामला अलीगढ़ के लोधा थाना क्षेत्र का है, जहां बीती 28 मई को जहरीली शराब पीने से करीब 18 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं अब ये आंकड़ा करीब 90 के पास पहुंच चुका है। बता दें कि इस मामले में CM योगी ने दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई का आदेश दिया था, जिसके बाद SSP के द्वारा 6 टीम गठित करके एक मुख्य आरोपी और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में अधिकारियों के द्वारा रिपोर्ट की सार्वजनिक पुष्टि नहीं की गई है। वहीं अब तक कुल 33 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। साथ ही 18 ठेकों को निरस्त कर दिया गया है और 8 सिपाही सहित 3 थाना इंचार्ज, 2 चौकी इंचार्ज व 5 आबकारी अधिकारियों और 1 CO को निलंबित करते हुए 2 CO से जवाब तलब किया गया है। स्तर पर गठित 6 टीमों द्वारा लगातार कार्रवाइयां जारी हैं। 4 दिन के अंदर 33 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसमें 50,000 के इनामिया अपराधी विपिन यादव एवं 2 प्रमुख अन्य अपराधी अजय चौधरी और मुनीष शर्मा, इनको गिरफ्तार पहले ही किया जा चुका है। तथा अब तक जो है 2 बड़ी फैक्ट्रियाँ जो हैं पुलिस द्वारा सील भी की गई और उसमें भारी बरामदगियाँ की गई हैं और ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ भी जारी हैं। देखिए, जो 28/5/2021 को अलीगढ़ में जहरीली शराब कांड हुआ था, उसमें अभियुक्त थे दीपाल पुत्र रोशन सिंह और नरेंद्र पुत्र दीपाल। इनके बारे में यह जानकारी मिली कि इन्होंने राजकीय कन्या इंटर कॉलेज की जमीन जो लोधा में है, इसके हिस्से पर अवैध रूप से कब्जा करके ट्यूबवेल बना लिया था। आज हमने उस ट्यूबवेल को ध्वस्त करा दिया है। इसी प्रकार इस शराब कांड में जितने भी अभियुक्त हैं, उनके द्वारा जो भी अवैध संपत्ति अर्जित की गई है या जहां कहीं भी सरकारी जमीनों पर कब्जा किया गया है, हम लोग उसको ढूंढ रहे हैं और जल्द ही उस पर कार्रवाई करेंगे, ताकि इन शराब माफियों को एक अच्छा सबक।
आजमगढ़ के तहबरपुर थाना क्षेत्र में दो पक्षों के बीच विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दो पक्षों के बीच मारपीट शुरू हो गई। इस घटना में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं जब स्थानीय लोगों ने घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराने के लिए भेजा, तभी दूसरे पक्ष के लोगों ने घायल व्यक्ति के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। इस दौरान घायल युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और 24 घंटे के अंदर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। तहबरपुर में एक गांव में दो पक्षों के बीच में अंडे की दुकान पर विवाद हो गया था और वापस बाद में इनमें आपस में मारपिटाई हुई। एक पक्ष थाने पहले पहुंच गया था और उसकी डॉक्टरी कराने के लिए भेज दिया गया था। वो डॉक्टरी कराने के बाद अपने गांव वापस जा रहा था, तो दूसरा पक्ष मेटाडोर से आ रहा था, उसमें इनमें पुनः मारपीट हुई और वो उस मारपीट में मेटाडोर से एक व्यक्ति कुचल गया और उसकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया था 4 लोगों के खिलाफ। 4 के 4 अभियुक्त गिरफ्तार हो गए हैं और मौके पर शांति है, गांव में फोर्स तैनात की। अलीगढ़ पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस मुठभेड़ में 5 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक गैंगस्टर भी शामिल है, जबकि 2 अभियुक्त मौके से फरार हो गए, जिनकी दबिश दी जा रही है। साथ ही पुलिस ने गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों के पास से 3 अवैध असलहे, 2 चोरी की मोटरसाइकिल और 1 मोबाइल फोन बरामद किया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल भेज दिया है। तीन दिन पहले एक कंपाउंडर जो कि महनाजपुर कस्बे में हड्डी जोड़ने का कार्य किया करता था, कोमल यादव नाम का, उसके क्लिनिक पर फायरिंग हुई थी और बाद में अगले दिन 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई थी। इस संबंध में आज पुलिस मुठभेड़ के बाद 5 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। इसमें से एक गैंगस्टर में गाजीपुर से वांटेड है और इनके पास से 3 तमंचे और 2 मोटरसाइकिल जो कि घटना में प्रयुक्त हुई थी वो बरामद हुई हैं। ये शातिर अपराधी हैं और इन्होंने इस एक देवगांव क्षेत्र से एक शराब के ठेके से लूट भी की थी, उसका भी माल इसमें बरामद हुआ था और उसका जो मोबाइल फ़ोन गया था उसी से इन्होंने रंगदारी मांगने के लिए कानपुर के हैलेट अस्पताल प्रशासन का मानवीय चेहरा सामने आया है। यहां इंसान से जानवरों जैसा बर्ताव किए जाने पर सवाल उठने लगे हैं। दरअसल मरीज को बेड से बांधे जाने का वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में मरीज अस्पताल के बेड से बंधा हुआ दिखाई दे रहा है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद ये तमाम सवाल उठने लग गए हैं कि क्या मानवता को भूला जा चुका है। लखनऊ के मेदांता अस्पताल से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सीनियर अधिवक्ता जफर याब जिलानी को डिस्चार्ज कर दिया गया। बता दें कि 20 मई को जफर याब जिलानी की गिरने से चोट आ गई थी, जिससे उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। वहीं अब उनकी तबीयत में काफी सुधार है, जिसके कारण उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। तो मेदांता अस्पताल में भर्ती जफर याब जिलानी की रिपोर्ट सही आने पर उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और वो घर पहुंच चुके हैं। मेदांता अस्पताल में भर्ती थे, चोट आई थी गिरने के चलते, जिसके बाद जफर याब जिलानी को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। राजधानी लखनऊ के चिन्हट इलाके में हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। ये रैकेट विकल्प खंड स्थित रेल विहार कॉलोनी के एक होटल में संचालित किया जा रहा था, जिसकी सूचना मिलने पर पुलिस ने 2 जगह दबिश डाली और उज्बेकिस्तान पंजाब की 4 युवतियों सहित 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि मुखबिर द्वारा सूचना मिलने पर ADCP कासिम आबदी की क्राइम टीम व चिन्हट पुलिस ने संयुक्त ऑपरेशन चलाकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया। कल देर रात थाना क्षेत्र चिन्हट में विकल्प खंड टीम में लग्जरी इन नाम का एक होटल रूम था,
यहाँ पर मुंबई के द्वारा एक सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ पर सेक्स रैकेट का संचालन किया जा रहा है। इस पर जो थाना पुलिस की जो टीम थी वो मौके पर दबिश करती है, जिसका नेतृत्व करते हैं, और मौके से टोटल 10 लोगों की अरेस्टिंग किया जाता है, जिसमें बाद में जब पूछताछ की तो पता चला कि एक व्यक्ति है जिसका नाम अफजल खान उर्फ राजा है, जो अवैध रूप से सेक्स रैकेट चलाता है। सुल्तानपुर में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। कोरोना महामारी के इस दौर में जहां लोग दवाइयों के लिए भटकते नजर आए, वहीं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बिना एक्सपायर ही दवाओं को जलाया जा रहा है। दवाओं के जलने की जानकारी मिलते ही स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। वहीं सीएमओ ने एसीएमओ को जांच के आदेश दे दिए हैं और जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही गई है। शाहजहांपुर के राजकीय मेडिकल कॉलेज के वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर अनिल राज को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। डॉक्टर अनिल राज को गिरफ्तार करते हुए पुलिस ने जानकारी दी कि डॉक्टर पर मरीजों को अपने रिश्तेदारों के मेडिकल स्टोर पर दवाएं लिखने और बताए गए मेडिकल स्टोर से दवा ना लाने पर इलाज ना करने के आरोप लग रहे थे और इस मामले में 2 केस भी दर्ज किए गए थे। बता दें कि मुखबिर की सूचना पर डॉक्टर को सीतापुर बस अड्डे से गिरफ्तार किया गया है। उनके खिलाफ आगे की कार्रवाई जारी है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए और देखते रहिए प्राइम टीवी।